हेलो गाइस, इन्वेस्टमेंट ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम SBI के दो शानदार म्यूचुअल फंड को रिव्यू करेंगे। इन दोनों म्यूचुअल फंड के शानदार रिटर्न्स हैं और इन म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट विदाउट हेजिटेट स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारा व्यू अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो मिनिमम टर्म है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि हम एक लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि एक बड़े पीरियड के लिए, 15 साल, 20 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए हम इन्वेस्टमेंट करें। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं और किस म्यूचुअल फंड के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट का एक तरीका और भी है, यानी कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमें इस बात को जरूर क्लियर कर लेना चाहिए कि हमें एक कंसिस्टेंट रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या हमें हाई वोलेटाइल म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं आपको वो म्यूचुअल फंड बताता हूँ जिसके अंदर आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, SIP भी कर सकते हैं, और चाहे जितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP की फॉर्म में और लमसम इन्वेस्टमेंट में। अगर आप कंसिस्टेंट रिटर्न चाहते हैं तो फिर SBI का ब्लू चिप प्लान सबसे शानदार प्लान है। SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एक ऐसा शानदार म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ और सिर्फ ब्लू चिप कैटेगरी की कंपनीज के अंदर ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। ओवरऑल अगर हम इस फंड के रिटर्न्स देखें तो वो काफ़ी शानदार हैं। 15.19% के हैं, पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 12.77% के हैं, पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 26.08% के हैं, पिछले 1 साल में इसने 17.01% के रिटर्न्स दिए हैं, और पिछले 6 महीने में इसने 3.16% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब जैसा इस फंड का नाम है वैसे ही दोस्तों ये ब्लू चिप कैटेगरी की जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, जैसे SDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ITC, L&T, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, पेज इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस जैसी जो दिग्गज कंपनीज हैं उनके अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। इसके अंदर आपको शेयर मार्केट में ज़्यादा उथल पुथल अगर होती है तो उस समय कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक कंसिस्टेंट ऑलमोस्ट रिटर्न प्रोवाइड कराता है। हालांकि ये लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, यानी इसमें जो भी पैसा आप जमा करेंगे उस पैसे का लगभग 95% जो पैसा है ऑलमोस्ट वो शेयर मार्केट की अलग अलग सेक्टर की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरे नंबर पर जो म्यूचुअल फंड है, अगर आप हाई वोलेटाइल म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो फिर दोस्तों आपके पास में SBI का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने का भी ऑप्शन है। SBI स्मॉल कैप फंड के अंदर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवरऑल इस फंड के जो रिटर्न हैं वो 25% के हैं, पिछले 5 साल के भी इसके रिटर्न शानदार यानी कि 18% के आसपास हैं, पिछले 3 साल के भी इसके रिटर्न 38.21% के हैं, पिछले 1 साल में इसने 17.31% के रिटर्न्स दिए हैं, और पिछले 1 महीने में 4% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। तो ये म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए खासकर सूटेबल है जो हाई वोलेटाइल म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपका व्यू लॉन्ग है तो फिर आप दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप 5 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको हाई वोलेटाइल म्यूचुअल फंड ही चुनना चाहिए, और यहाँ पर आपको दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, और ये इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, और यहाँ अगर आपका व्यू लॉन्ग है देन आपको अच्छे रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके अंदर SIP का और लमसम इन्वेस्टमेंट का एक क्राइटेरिया है, यानी आप एक लिमिटेड पैसा ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्लू स्टार जैसी दिग्गज कंपनी के अंदर इस पैसे का इस म्यूचुअल फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा जो एल्गी इक्विपमेंट्स हैं, वेदांत फैशन है, लेमन ट्री होटल है, वी गार्ड इंडस्ट्री है, TTK प्रेस्टीज लिमिटेड है, जो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है उनके अंदर इस फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आप SIP करना चाहते हैं और आप 100 रुपये रोज़ बचाते हैं, यानी कि 3,000 रुपये की आप SIP करते हैं, और इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करते हैं और ये म्यूचुअल फंड आपको 15% के रिटर्न्स दे देता है, तो 15% रिटर्न के हिसाब से 10 साल में टोटल हमारा 360,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो मिलेंगे वो 5,29,000 रुपये के होंगे, और टोटल हमारी वैल्यू 8,90,000 रुपये हो चुकी होगी। इसी तरह से अगर हम 15 साल तक इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहें तो 5,40,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, 17 लाख रुपये का हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे, और 22,45,000 रुपये की हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी।
अगर हम बात करें दोस्तों कि हमारा पैसा 1 करोड़ रुपए कितने दिन में हो सकता है मात्र 15% रिटर्न के हिसाब से, तो फिर उसके लिए हमें दोस्तों ऑलमोस्ट 26 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। यानी 26 साल अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 3,000 रुपये प्रति मंथ और 15% का कोई भी म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दे देता है, तो 9,36,000 रुपये का टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा। 1,05,00,000 रुपये के आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 1,14,00,000 रुपये हो चुकी होगी। इसी तरह से आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी करके छोड़ सकते हैं, मिनिमम 5,000 रुपीज़ का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम SIP की बात करें तो आप मिनिमम 500 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं और उससे ज़्यादा जितना आपका बजट हो उस हिसाब से आप ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप हाई वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपके पास में दोस्तों SBI का स्मॉल कैप फंड इन्वेस्टमेंट करने का भी ऑप्शन है। यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो उस सिनेरियो में हमें इसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस अगर हम रखते हैं और कंटिन्यू अपने इन्वेस्टमेंट रखते हैं देन डेफिनेटली कुछ 1 साल के बाद में आपको गजब के जो रिटर्न्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, पेटीएम मनी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहाँ पर साइनअप करके वहाँ जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है उनसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आपके पास में कॉल आ जाएगी जब आप सिंपली अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, तो आप घर बैठे अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। धन्यवाद।